हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैशटैग ईबुक फॉर फ्री बुक। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन है, मैच द फॉलोइंग प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स इन हैदराबाद विद द आर्किटेक्चर स्टाइल विद विच दे वर बिल्ट। हमें ये बताना है कि जो बिल्डिंग्स है हैदराबाद की, वो किस स्टाइल में आर्किटेक्ट हुई है, मीन्स डिज़ाइन हुई है। देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो हुई है सिंथेसिस ऑफ मॉडर्न मेडिवियल एंड एंशियन आर्किटेक्चर स्टाइल। सेकंड है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, जो कि डिज़ाइन हुआ है मुगल स्टाइल में। हाई कोर्ट, जो कि डिज़ाइन हुआ है इंडो सैरासेनिक स्टाइल। और जो असेंबली हॉल है, वो डिज़ाइन हुआ है सैरासेनिक राजस्थानी स्टाइल। असेंबली हॉल क्या है? सैरासेनिक राजस्थानी स्टाइल। नंबर टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द फेमस पेंटिंग इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम अली खान। ईयर है 1762 to 1803। हु हैड एन एनुअल जागीर ऑफ 12,000 एंड हुज पेंटिंग्स आर डिस्प्लेड इन सालार जंग म्यूजियम। हमें उस पेंटर का नाम बताना है फ्रेंड्स, जिसने के निज़ाम अली खान के कोर्ट में पेंटिंग्स की हैं, जो कि अभी सालार जंग म्यूजियम में डिस्प्लेड है। द करेक्ट आंसर इज़ वेंकटाचलम। नंबर थ्री इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द फॉलोइंग डांसर्स नेम विद देयर डांस फॉर्म्स। ये डांसर्स नेम दिए गए हैं, इन्हें इनके डांस फॉर्म के साथ मैच करना है। तो करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम रुक्मणी अरुणाडेल। बी है कथक। कथक के हैं दमयंती जोशी। सी है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के हैं जो हैं डांसर, वो है वेम्पति चिन्ना सत्यम। एंड डी है कथकली। और कथकली के हैं नंबर टू कलमंदलम गोपी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर फोर। फोर में ही ये सभी करेक्ट मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर बुक्स। ऑथर्स नेम दिए गए हैं और बुक्स नेम दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, ऑथर जयपा सिन्नामी ने लिखा है गीता रथनावली। किसने लिखा है? जयपा सिन्नामी में। और सेकेंड वन है गोनाबोधन रेड्डी ने क्या लिखा है? रंगनाथा रामायणम लिखा है। सी है तिक्कन्ना। तिक्कन्ना ने क्या लिखा है? तिक्कन्ना ने लिखा है निर्वचनोथरा रामायणम। देखिए फ्रेंड्स, डी है पालकुरु की समोनंधा ने लिखा है बासावा पुराणम। किसने लिखा है? पालकुरु की समोनंधा ने लिखा है बासवरा पुराणम। तो करेक्ट आंसर है नंबर टू। पार्कर सोलार प्रोब लॉन्च बाय नासा टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ। किसका एटमॉस्फेयर जानने के लिए किया गया है फ्रेंड्स? सन का। द करेक्ट आंसर इज नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जीका वायरस इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जीका वायरस कैसे स्प्रेड होता है, किसके जरिए होता है? द करेक्ट आंसर इज नंबर थ्री, मॉस्किटो बाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। कितने परसेंट फ्लोराइड को परमिशन दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर में? 1.5 mg/L। द करेक्ट आंसर इज नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एनवायरनमेंट कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। किन गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर इज नंबर फोर, मिथेन। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। देखिए, ए है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वॉज ओरिजिनेटेड बाय नॉर्मन मायर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उसे किसने दिया है? नॉर्मन मायर ने। तो ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन बी है ब्रंटलैंड कमीशन वॉज फॉर्मली नोन एज द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी ओनली। ए एंड बी ही करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टेन है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा हमें बताना है फ्रेंड्स? देखिए, फर्स्ट है ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 2nd अक्टूबर 2015
बी है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है NDMA. सी है द हेडक्वार्टर ऑफ द NDMA इज लोकेटेड इन हैदराबाद. देखिए फ्रेंड्स ये तीन स्टेटमेंट्स हैं लेकिन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है A and C. सो हमें ये अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 11. एजेंडा 21 इज द रिजल्ट ऑफ विच अर्थ समिट. इसका करेक्ट आंसर है रियो समिट. एजेंडा 21 किसका रिजल्ट है, किस अर्थ समिट का? रियो समिट का. द करेक्ट आंसर इज नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू जेंडर एम्पावरमेंट मेजर GEM. जेंडर एम्पावरमेंट मेजर. तो फ्रेंड्स इसका देखिए हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे. ए है मेन एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन शेयर इन पार्लियामेंट्री सीट्स. पार्लियामेंट्री सीट्स में मेन एंड वुमेन का पार्टिसिपेशन शेयर कितना है ये हमें बताता है ये. बी है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ मेन एंड वुमेन. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर मेन एंड वुमेन का ये बताता है हमें. सी है एसेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ मेन एंड वुमेन. ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स. डी है पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ मेन एंड वुमेन. ये भी करेक्ट ऑप्शन है. सो ए बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following statements are correct with regards to the average growth rate of GSDP of Telangana state and GDP of India for the period between 2004 to 2005 to 2013 to 14? देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ तेलंगाना स्टेट आर रिलेटिवली हायर देन नेशनल एवरेज. This one is correct. Second है among the three sectors, the growth rate of service sector is comparatively higher in both the states of Telangana and India. ये भी correct statement है friends. तो 1 and 2 only is the correct option. Question number 14. Which of the following statements related to poverty and unemployment is are correct? इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है फ्रेंड्स. ए है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन इक्वालिटीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. ये करेक्ट है फ्रेंड्स. बी है अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर डीपर देन पॉवर्टी. ये नहीं कहा जा सकता फ्रेंड्स. सी है जनरली हायर द लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम कंजम्पशन एंड वेल्थ हायर वुड बी द पॉवर्टी. ये भी करेक्ट है. डी है unemployment may be eliminated if all are employed somewhere but poverty may not disappear. ye correct option hai friends. e hai if all are employed productivity and as per their
Achin.